IIT, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम तो आपने सुना होगा। इसका नाम लेते ही आज भी हजारों ऐसे युवा हैं जिनके चेहरे खिल उठते हैं। मोहल्ले में माँ बाप की साख बढ़ जाती है अगर बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो जाए। एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि IIT में जो सिलेक्ट नहीं हो वो होशियार नहीं है, पर क्योंकि IIT में एडमिशन मिलना जरा मुश्किल है, इसलिए इसे ऐसी नजर से देखा जाता है। वैसे भारत ऐसा देश है जहाँ के गली मोहल्लों में ऐसी कहानियां मिलती हैं जिसके आधार पर ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बन जाती हैं। मैं हूँ शुभांगनी दुबे और टैलेंटेड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इन गली मोहल्लों की कहानी पर आधारित कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, गली बॉय। जोया अख्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह की अदाकारी ने से युवाओं के बीच में रैप कल्चर को काफी मशहूर कर दिया। गुलू गुलू करेगी तो धपकूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। ऐसी फिल्में समाज में एक नई सोच को जन्म देने का भी काम करती हैं, और इसी नई सोच के साथ आज देश के हजारों सिनेमा घरों में लॉन्च हुई है बिहार में IIT बैच चलाने वाले टीचर की कहानी सुपर 30। तो ऐसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो बन जाएगा। आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए हैं, फ्री कोचिंग। किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या। बायोटेक इंजीनियर, मरीन आर्किटेक्ट, नासा। ये कहानी है बिहार के पटना में रहने वाले आनंद कुमार की, बाकी आप फिल्म देख लीजिएगा। तो इस फिल्म को लेकर आज देश में काफी चर्चाएं हैं। विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना अभिनय किया है, लेकिन फिर भी दर्शकों का कहना है कि फिल्म एवरेज श्रेणी में है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि निर्देशक को नायक की भूमिका में ऋतिक की जगह किसी और अभिनेता को रखना चाहिए था, जिसका असल जीवन भी कहीं ना कहीं आनंद कुमार के जीवन से मिलता हो। ऋतिक का जीवन कभी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं गुजरा कि उनको गरीबी की मजबूरी और हकीकत को करीब से देखना पड़े। लेकिन अगर इस फिल्म में मुख्य अभिनय के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना जाता तो शायद कहानी को देखने का रोमांच कुछ और होता। यह इसलिए भी है क्योंकि दर्शकों के लिए फिल्म में कहानी की वास्तविकता के अलावा अभिनेता से जुड़ाव भी उतना ही मायने रखता है। वैसे हमें खुशी होगी अगर आप इस फिल्म को देखकर अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे साझा करेंगे। वैसे इस फिल्म में रियल हीरो आनंद कुमार ने कुछ दिनों पहले ही यह खुलासा किया कि वह ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रहे हैं। आनंद कुमार ने बताया कि वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि वो जीवित रहते हुए अपने जीवन यात्रा को पर्दे पर देखने वाले शख्सों में से एक होंगे। आनंद ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके लिए यह खुशी की बात है कि वह जीवित रहते हुए अपनी बायोपिक में अपनी यात्रा देख सकेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म को जरूर देखने जाएं, एंजॉय करें और आपके जो भी विचार हों हमसे साझा करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।